दोस्तों रिव्यूज नाम में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा जा चुका है, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देख लीजिए, आपको ये बताना है, जैसे यहाँ पे एक ट्रिक के हिसाब से लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, तो वैसे भी यहाँ पे भी होना चाहिए। देख लीजिए, ये 4 है, ये 7 है, ये 5 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है। यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। जैसे इस दोनों त्रिभुज को कंपेयर करिए और तीसरा में क्या होगा ये आंसर आपको बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। देखिए, हम आपको बताते हैं कौन सा ट्रिक लगेगा। एक काम करिए, 7 को और 5 को दोनों को घटाइए, कितना होगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। वैसे ही 14 को और 6 को घटाइए, कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करिएगा, कितना हो जाएगा 64। वैसे ही 5 को 1 में घटाइए, कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करिएगा, कितना होगा 16। तो जिस जिसका